लीग ऑफ नेशन के पास अपनी सेना नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि जो भी अपना सदस्य बनेगा, यूएनओ का जो भी सदस्य बनेगा, जो भी देश यूएनओ का सदस्य बने, या तो इसमें आर्थिक मदद करेगा, नहीं तो तकनीकी मदद करेगा, नहीं तो सैन्य मदद करेगा। अब कोई देश अगर सैन्य मदद नहीं तो मतलब वो देखिए, या तो पैसा से मदद की, जापान पैसा दे देता है, अमेरिका पैसा दे देता है, हम लोग तकनीकी मदद और सैन्य मदद दो दो देते हैं, दवाइयां दे देते हैं, सैनिक दे देते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कुछ देश हैं जो अनाज दे देते हैं, ताकि जैसे मान के चले भूखमरी आ गया, अफ्रीका में भूखमरी आ गया, तो यूएनओ के ऑफिसों में का ऊपरा गमला में गेहूं बोएंगे, नहीं ना, कहां से लाएगा ये। तो सारे सदस्यों का एक फिक्स पैटर्न है कि कौन आर्थिक मदद देगा, कौन तकनीकी मदद देगा, कौन खाने पीने वाली मदद देगा, वस्तु देगा, और कौन सैन्य देगा। तो भारत क्या करता है, तकनीकी मदद भी दे देता है और सैन्य मदद भी दे देता है। तो हर देश अपने अपने हिसाब से, सैन्य मदद देना थोड़ा इजी होता है, क्यों, क्योंकि सैन्य मदद में ना आपके पास तो फौज पहले से है, और फौज में सैलरी पहले से मिल रहा है, ट्रेनिंग पहले से ही है, और अगर फौज रखे हैं, लड़ाई नहीं हो रही है, तो फौज का भी मनोबल गिरता है। तो भारतीय सेना क्या करती है ना, जानबूझ के भेज दी जाइए अफ्रीका में शांति मिशन में, तो हमारी फौज के ऊपर इंडिया लिखा रहेगा, लेकिन टोपी हटा के नीला टोपी पहना दिया जाएगा। अब उसमें कमांडर कोई और होगा, कई बार होता है हमारी फौज है कमांडर जर्मनी का, पता है जर्मनी का फौज है कमांडर बिहार का, कई बार ऐसा होता है, और वो लोग किसी एक मिशन पर भेज दिया जाता है कि अफ्रीका में शांति की, जब सूडान में भेज दिया गया वहां पे। इससे फायदे भी होते हैं क्या, कि हमें बाकी देशों से तुलना में अध्ययन करने को मिलता है कि दूसरी देश किस तरह से एकोमोडेट कर रही है, किस तरह से एक देश दूसरे देश में कम्युनिकेशन कर रही है, बातचीत कैसा कर रहा है। फौज की बातचीत में कोडिंग होना चाहिए, वरना सब सुन लेगा वहां पर, समझ आ गया कि नहीं आ गया, वो अपने से कोडिंग में बात करता है वहां पर, नहीं कोडिंग नहीं रहेगा तो सब बात ये सुन लेगा वहां पर, कहेगा ऑपरेशन जीरेनमो स्टार्ट, पते नहीं है ससुरा कौन चीज स्टार्ट हुआ है, अजी बस उसी को पता है कि ऑपरेशन जीरेनमो है क्या, सबका अलग अलग कोड होता है। तो हम लोग सैन्य मदद भी ज्यादा देते हैं, तो यूएनओ का इस तरह से स्थापना हुआ। अब जहां पैसा की जरूरत है, अमीर देश पैसे दे दे रहे हैं, तकनीकी देश तकनीकी दे दे रहे हैं, जो गरीब देश हैं अनाज दे देते हैं, और भारत जैसा देश है सैन्य मदद भी दे देता है, बांग्लादेश सैन्य सबसे आसान पड़ता है सैन्य मदद, क्योंकि सेना आपकी पहले से वही भेज दीजिए, सैलरी एक्स्ट्रा दे दी जाता है। जैसे भारत में अगर कोई सिपाही है फौज में 35,000 सैलरी उठा रहा है, अगर उसका डिपोजिटेशन यूएनओ में हो जाता है ना 1.5 लाख, सीधा कितना हो जाता है 1.5 लाख। आप में किसी के घर के लोग फौज के थ्रू यूएनओ में गए हैं, आपके भैया मतलब गांव में, गांव मतलब आप ही के गांव के थे, यूएन मतलब आर्मी से फिर यूएनओ में भेजा गया, ज्यादा दिन नहीं भेजता, 3 महीना या 6 महीना 4 महीना, कितना सैलरी हो गया था 1,65,000। देखिए तो फौज में ना सब मनाते हैं, भैया 6 महीना के लिए हमको कहां भेज दे, और 1,65,000 तो सिपाही रैंक पे होंगे, अगर ऑफिसर रैंक पे रहते ना जैसे लेफ्टिनेंट कप्तान 3-4 लाख पहुंच जाता है। अब मान के चले कोई लेफ्टिनेंट है और 6 महीना के भेज दिया कहां पर, सूडान में, वहां पे अब 36-18 लाख हो गया, चला यहां पर, और उसके बाद से प्रमोशन में भी फायदा हो जाता है, समझ गया, प्रमोशन में फायदा, क्यों, क्योंकि जब सीनियरिटी देखी जाती है, अगर कैप्टन से मेजर बनाना है दोनों एक ही बैच के हैं तो फिर सीनियरिटी तो बराबर हो गई। अब देखा जाएगा एक्स्ट्रा कौन काम किया है, अगर उनमें से कोई एगो कमांडो ट्रेनिंग किया है तो उसको एगो पॉइंट्स ज्यादा मिलेगा, तो कहेगा हम यूएनओ में ड्यूटी किए हैं तो ओकरा एगो ज्यादा मिल जाएगा। तो कभी कभी सुनते हैं फौज माउंट एवरेस्ट पे जा रही है, ये भी कहते हैं, तो पॉइंट्स मिलते हैं प्रमोशन के लिए, तो काफी अच्छा होता है ये चीज, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है, यूएनओ से भी पैसा मिल जाता है, क्योंकि भारत सरकार तो देती ही देती है, और उधर से यूएनओ भी दे देती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो यूएनओ का, यूएनओ एक और किसी देश से सेना लिया तो किसी देश से पैसा लेगा, और पैसा से कुछ सेना को भी देगा, तो कुछ भारत सरकार भी बढ़ा के देती है और कुछ उधर से यूएनओ से भी मिल जाता है। येलो हेलमेट, उसको ब्लू हेलमेट कहा जाता है, मतलब नॉर्मल टाइम में टोपी पहनता है, ऐसे में तो हेलमेट पहना जाता है, बैलिस्टिक हेलमेट उसको बचाने के लिए। तो जो यूएनओ में जो जसवीर कुमार सर, आई सर्व्ड इन यूएनओ 2014 में, आप खुद ही किया, चलिए ये भी है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये भी यूएनओ में, यूएनओ की आर्मी, बहुत सारे लोग हैं आर्मी पुलिस के जवान है, लाइव क्लास करते रहते हैं, लाइव क्लास से एक फायदा है। तो जितने 2014 में ये लोग किए, अब बहुत सारे लड़का से तो पता नहीं क्या अपने मम्मी पापा को भी बैचवा दे देता है आमा सर्वर भर जाता, टीचर के बैच के लिए सर्वर में जगह नहीं है यहाँ पे तो समझिए, तो यूएनओ जो लीग ऑफ नेशन में मेन कमी थी, उसके पास फौज नहीं थी, फौज नहीं थी।
और यूएनओ में क्या हो गया, फौज आ गया, यूएनओ में क्या आ गया, फौज आ गया। वर्तमान में यूएनओ में 193 देश है। सबसे लास्ट में बना था सूडान, सबसे लास्ट में सूडान, आज सूडान में भयंकर तबाही आया हुआ है। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को है। यूएनओ, वर्तमान यूएनओ में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य। आप कोई देश किसी दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर सकते, बाकी 193 मिलके मार देंगे से उसको। यही गलती कर दिए थे सद्दाम हुसैन, वो चल गए कुवैत पे कब्जा करने, कुल मिलके मार दिया सब। अमेरिका क्या करता, अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं करेगा, अफगानिस्तान पे हमला कर देगा कि हम आतंकवादी को मार रहे हैं, वहां किसी को पकड़ के कहेगा तुम सरकार चलाओ, उसको बैठा देगा सरकार, और उस सरकार का कमांड अपने हाथ में ले लेगा, उस सरकार से लिखवा लेगा मुझे सैन्य मदद की जरूरत है, अमेरिका मुझे सैन्य मदद दे 2,00,000 फौज। अब हो गया, हम हमला करने थोड़े हैं, उस देश की सरकार हमें क्या दी है, लिखित में दी है। नहीं समझा, तुम बक ले लिया, समझा रहा है? यूएनओ में कितने देश? 193। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यूक्रेन पे मारा है, आप देखे होंगे सबसे पहले डोनेस्क और डोनबास को कहा कि यह विवादित जगह, बोला उसके बाद डोनेस्क और डोनेस्क में और डेनबास्क में एक सरकार का गठन करा दिया, और वो सरकार लिखित में क्या कर दी, दे दी, और वहां चुनाव करा दिया उसने और प्रस्ताव पारित कर दिया, 90% से ज्यादा लोगों ने कहा रूस में विलय कर दे, विलय हो गया। समझ में गया? तो हम लोगों को भी जब अखंड भारत बनाना होगा तो पाकिस्तान में अपनी पसंद का एक सरकार बनाना होगा। पहले थूर थार के जितना ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी मिलिट्री हैं, तो इनको तबाह करना होगा, उसके बाद किसी एगो को कहना पड़ेगा प्रधानमंत्री बनेगा, कहेगा बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह, प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बना दिया जाएगा उसको, अब वो बन जाएगा प्रधानमंत्री। अब वो अपनी कैबिनेट से पास करेगा कि मैं अपने जमीन का विलय भारत से कर रहा हूं, उसके बाद भारत का उसमें हो जाएगा विलय, तब बन जाएगा अखंड भारत। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, आप वो गलती नहीं कीजिएगा जो सद्दाम हुसैन किए थे, डायरेक्ट कुवैत पर हमला कर दिए थे, डायरेक्ट हमला करना जी, सोच रहा यूएनओ चढ़ जाएगा हम लोग के ऊपर, दिक्कत हो जाएगा, उसमें चाइना बैठा है, कह देगा यूएनओ को हम 2,00,000 फौज दे रहे हैं, यूएनओ भेज देगा भारत में। समझा गया? किसी को कोई दिक्कत?